नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाई। माई सेल्फ जेवीएन डॉक्टर अर्चना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ ह्यूमन यूनिवर्सिटी जयपुर। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक, द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सर्जरी एंड द रोल ऑफ सर्जरी इन द होम्योपैथिक। तो फर्स्ट रोल ऑफ होम्योपैथी इन द एरिया ऑफ सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द व्हाट इज द सर्जरी। Surgery is an art. It is that branch of medicine which is considered with the repair, removal or replacement of diseased tissue. In other words, any cutting, suturing and repairing of common tissue. Now, a few general type of surgery. किस तरह की surgery अपन generally देखते हैं या prefer करते हैं? First है elective surgery. In elective surgery, not only needed to save the life of the patient, but it is expected to provide some other benefits. Now next, emergency surgery. Emergency surgery is a surgery which must be done quickly to save life, limb or other capacities such as eyesight. इमरजेंसी सर्जरी जो इमरजेंसी सडनली करनी पड़े, जैसे कि आई साइट किसी की लॉस हो रही है उसके लिए, या कोई पेशेंट डेथ हो गया है तो उसकी आई साइट उसने डोनेट कर रखी है, तो उसके लिए अपन जो सर्जरी इमिडिएट करते हैं वो इमरजेंसी सर्जरी में आती है। नाउ एक्सप्लोरेटरी सर्जरी इज द फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ए पेशेंट मेडिकल कंडीशन और मेकिंग ए डायग्नोसिस। Next, therapeutic surgery is for treating a patient. Surgery may start out as a exploratory and become therapeutics. Amputation involves cutting off a body part, for example, a limb or digit. Now, replantation surgery. Replantation, an often difficult type of surgery, more recently develop, involve and reattaching a severed body part. तो replantation में क्या होता है? Replantation में यही है, अगर कोई बॉडी का पार्ट कट हो गया, अपने को उसको replantation करना, उसको वापस से replant करना है, तो अगर और किसी बॉडी पार्ट को अपने को जैसे अलग हो गया या कट गया तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर से replant कर देते हैं। तो ये किसमें आता है? रिप्लांट सर्जरी। नाउ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी पार्ट एक्सेसिव डैमेज हो चुका है या रीशेप, उसका जो शेप है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो चुका, तो उसके लिए अगर उसको रीशेप में लाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको अपन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है? वी शेप ऑफ सर्टेन बॉडी टिश्यू इंक्लूड बोन, कार्टिलेज, मसल्स, फैट एंड स्किन दैट हैव बीन प्रीवियसली डैमेज्ड बाय ट्रोमा और अदर कंजेनाइटली अबनॉर्मल। तो रिकंस्ट्रक्टिव में यही है कि अगर कोई भी कार्टिलेज, बोन, मसल्स या स्किन का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, या तो वो ट्रोमा से हो सकता है या कंजेनाइटल हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर उसको रीशेप, उसको वापस से शेप देने के लिए अगर कोई सर्जरी करते हैं तो वो उस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। नाउ कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी एक कॉमन टाइप ऑफ इलेक्टिव सर्जरी दैट इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में यही होता है कि कॉस्मेटिक के लिए जो सर्जरी करते हैं, जो अपीयरेंस जो उसका एक होता है कि हाँ, बहुत से पेशेंट को होता है कि मैं ज़्यादा ओल्ड नहीं दिखूँ, तो उसके लिए ओल्ड एज में या फिर फेस के लिए कोई भी जैसे रिंकल्स वगैरह है, तो उसके लिए उनकी जो उनका अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सर्जरी आजकल करते हैं वो कॉस्मेटिक में इंक्लूड होती है। नाउ है ट्रांसप्लांट सर्जरी। ट्रांसप्लांट सर्जरी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन और बॉडी पार्ट बाय इंसर्शन ऑफ अदर फ्रॉम डिफरेंट ह्यूमन और एनिमल इनटू द पेशेंट।
रिमूविंग एनस ऑर्गन और बॉडी पार्ट फ्रॉम अ लाइव वुमन एंड एनिमल फ्रॉम यूजर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्जरी। रीप्लांट में यही है कि किसी कोई भी ऑर्गन हो गया, बॉडी पार्ट खराब हो गया, तो उसकी उसकी जगह वही ऑर्गन या तो किसी वुमन या एनिमल का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, पर मोस्टली वुमन का लिया जाता है। तो उसमें अगर किसी का मान लो लीवर का कुछ पार्ट खराब हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो इस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी अगर किसी की दो किडनी, किसी की कोई किडनी खराब है तो किडनी कोई हेल्दी वुमन जिनकी किडनी लेके, और जो डिजीज पर्सन है उसमें अपन प्लांट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है। तो इसमें किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे कि दो एग्जांपल बताए गए, या तो लीवर, लीवर का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिप्लांट कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, या किडनी खराब हो गई तो किडनी का भी क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन हो गया। तो ये सर्जरी किसमें आती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी। नाउ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में क्या होता है, इन्वॉल्व स्मॉलर आउटर इंसिजर टू इंसर्ट सम sort of endoscopy which is a tube-like equipment to perform surgery. There are also many type of more specific surgery. इसमें minimally invasive surgery में क्या होता है, smaller hole करते हैं body के part में, उससे क्या करते हैं endoscopy या और कोई इस तरह का instrument होता है जो अंदर tube-like instrument होता है जो बॉडी के अंदर का जहाँ सर्जरी कर रही है उसको अपन अच्छे से विजिबल हो सकता है। वो स्क्रीन पे होता है, उसमें कुछ कैमरा लगा होता है आगे की साइड में, और उस कैमरे के थ्रू स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे सारा विजिबल होता है। तो उसके थ्रू ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इंसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और उसी के थ्रू जो भी उसका डैमेज पार्ट है या जो भी उसकी सर्जरी, वो जो भी डिस्ट्रॉय पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये इसमें आता है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। नाउ लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी इन्वॉल्व टू यूज लेजर फ्रॉम कटिंग टिश्यू इंस्टेड ऑफ स्कैल्प और स्मॉलर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लेजर सर्जरी में जो लेजर के थ्रू आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उसमें कटिंग और इंसीजर का इतना काम भी होता है। तो आजकल क्या करते हैं, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो लेजर के थ्रू ही टिश्यू को क्या करती है, कट कर देती है, वहाँ से जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर देती है। तो ये सर्जरी इसमें लेजर सर्जरी में इन्वॉल्व होती है। नाउ माइक्रो सर्जरी। इस माइक्रो सर्जरी क्या होती है, माइक्रो सर्जरी इज ए फाइन सर्जरी विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द सर्जन टू सी बेटर। नाउ बायरेट्रिक सर्जरी। बायरेट्रिक सर्जरी आजकल बहुत से लोग करते हैं, जो भी ओबेस पर्सन होते हैं वो अपना फैट रिमूव करवाने के लिए फैट रिमूव करवा देते हैं थ्रू द सर्जरी। तो वो जो सर्जरी होती है उसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। तो इन बेरिएट्रिक सर्जरी इज ए क्लास ऑफ सर्जरी फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच इज ए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। Now, surgery is also used for sterilization to prevent reproduction, although it is a rather simple procedure for males. Now, next class will be discuss the role of surgery in homeopathy. And this session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.